गाड़ी वालों बैकग्राउंड मने प्यारो लागे, गाड़ी वालों बैकग्राउंड मने प्यारो लागे। बैकग्राउंड डालो। हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, चलो फोटो लेते लेते बात करते। चलो फोटो ले लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में गए यहाँ से। चलो ये फोटो ले लिया, ये फोटो हमारे कंप्यूटर में ले लिया। अब ले लिया, ये ओपन हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो इसका ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेते हैं ताकि हमको हार्ड नहीं पड़े। टू 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 यार शिट, बहुत ज़्यादा कम हो गया है यार। 20 करना था, 200 करना था, 20 हो गया। कितना कम, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान रखें, मैं यार शिट ही तो दोस्तों। हाँ ये देखो, आपको मालूम पड़ गया, देखो कितना डल हो गया है दोस्तों। एकदम से आप इतना कम नहीं करना है, फोटो की क्वालिटी लो हो सकती है। कम उसको रबड़ की तरह खींचोगे, छोटा करोगे, खींचोगे छोटा करोगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसको हटा देता हूँ वापस। चलो वही फ़ोटो लेते हैं वापस, आपको दिखा दे कितना फ़र्क था उसमें। ये देखिए, इसका रेजोल्यूशन कम कर लेते हैं 200। ये देखिए कितना फ़र्क था, बहुत ही। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप जो आपको सिखा रहे हैं बैकग्राउंड चेंज कैसे करें। कल दोस्तों एल दबा के कटिंग टूल्स ले, ये मैंने एल दबा लिया, कटिंग टूल्स आ गया। अब यहाँ से हम कटिंग करते हैं फटाफट फटाफट। 10 मिनट में वीडियो को पूरा करना है, 10 मिनट में वीडियो को पूरा करना है फटाफट। दोस्तों आप आराम से वीडियो को दे सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, आप थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं वीडियो को। आराम से देख के आप खुद सीख सकते हैं दोस्तों। इसमें हेयर कटिंग भी सिखाऊंगा मैं, हेयर कटिंग साथ में होगी ना, बैकग्राउंड चेंज होगा तो मैंने बहुत जल्दी आपको सिखा रहा हूँ। चलो सीखो सीखो, ये टोपी रख रहा हूँ, टोपी ये वाइट टोपी है ना, सिर्फ एडिटिंग एडिटिंग के लिए होती है। इसको आगे दोस्तों टॉयलेट चलने चला गया था, थोड़ी देर रुकिए थोड़ी देर। दोस्तों अब इसको क्या करना है कि कॉपी करना है। फेदर तो दे दिया शायद मैंने, हाँ फेदर दे दिया मैंने 1.6 का, वो दो बार हो गया। चलो वापस करते हैं, चलो अब फेदर देते हैं। देखिए यहाँ से फेदर हो गया, अब कंट्रोल जे करना है, F7 दबाए, यहाँ से एक आँख बंद कर दी, आँख बंद कर दी। हम आप अब लेते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड कहाँ गया? गाड़ी वालों बैकग्राउंड मने प्यारो लागे, गाड़ी वालों बैकग्राउंड मने प्यारो लागे। बैकग्राउंड डालो। ये लो फोटोशॉप पे आ गया। अब इसको इसका भी रेजोल्यूशन देख लेते हैं, इसको 200 कर देते हैं, बहुत छोटा है। अरे यार 14 तो चलो हो गया। इसको क्रॉप कर दे, सी से ये क्रॉप का आएगा ये। चलो क्रॉप कर देते, बैकग्राउंड अपना उतना ही लेना है। चलो मिक्सिंग नहीं बना रहा हूँ, DM बना रहा हूँ। चलो इसको यहाँ से उठाया, ये V से आएगा टूल्स, ये V दबाया, ये अंदर आ गया। चलो इसको Ctrl+T दबा के, Ctrl+T दोस्तों, Ctrl+T दो बार तीन बार बोल दिया मैंने, Ctrl+T टी वो वाले नहीं, चाय नहीं, टी Ctrl+T ABCD। चलो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, फोटो को छोटा ही कर देते हैं थोड़ा, इसमें क्या नुकसान हो रहा है। इसको या तो इधर कर लेते हैं, इसको नहीं, इसको बराबर ही रखना पड़ेगा। चलो हो गया, ये सेट हो गया। अब इसको क्या, ये टोपी है ना वाइट टोपी, ये जो वाइट टोपी, ये वाइट टोपी है ना, इसको ये वाइट टोपी इसको हटाना है आपको दोस्तों। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+J से कॉपी कर लिया। अब इसको इस फाइल को नहीं, पहले Ctrl+J कॉपी कर लिया, सेलेक्ट करते Ctrl+M दबाते और यहाँ से इसको वाइट को सेलेक्ट किया। अब हम नॉर्मल में जाते हैं, यहाँ पे F7 में, फिर मल्टीप्लेज में गए। अभी इस फोटो को नीचे ले लेते, ये देखिए आना, अबे आना आना आना,
चलो आ गया। अब इसको रबर टूल्स लेना जो ई से आएगा दोस्तों, ई से रबर टूल्स आएगा। इसको यहाँ से हटाना रबर टूल से फटाफट 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 फटाफट। ओ ओ ओ ओ ले गले गले गले। अभी जो सीजन चल रहा है भोलेनाथ का, भोलेनाथ का गुणगान कर लेते थोड़ी देर। ए भोले शंभु पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठ छुप के कहाँ, भोलेनाथ पधारो, ओ शंभुनाथ पधारो, बैठे छुप के कहाँ। दोस्तों देखो ये कटिंग हो गया, ये देखो बाल कितने अच्छे शिफ्ट देख रहे, कितना शानदार लग रहा पड़ो। अब इस छोटे पीछे बैकग्राउंड है इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ब्लर में जाना है, ब्लर ब्लर, ये ब्लर हो गया। इसको ज़्यादा ब्लर नहीं करना नहीं तो बहुत ख़राब लगेगा भाई, ज़्यादा में तो ऐसा लगेगा। ऐसा भी मत करना, पूरा मत करना, इतना इतना थोड़ा, चलो ये इतना ओके हो गया। अब इसको थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं हल्का सा इसको यहाँ से। ये कंट्रोल यू से आता है दोस्तों, मैंने बताया नहीं पहले। अब इसको थोड़ा सा थोड़ा इधर इधर, क्या नाइस लग रहा फोटो, कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों स्टूडियो में जो बॉर्डर देते वो देते कंट्रोल शिफ्ट से, इसको मर्ज कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जे जेकर से सेलेक्ट, कंट्रोल ए से किया मैंने, इसको बॉर्डर दे सकते हैं। अल्टर एस से, अल्टर एस से बॉर्डर का ऑप्शन है, जितनी देनी है उसको दे रहे। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा घुमा देते ना, ऐसा क्या लग रहा है इसको। ये जब जो बैकग्राउंड है ना उसको दूसरे तरह से, ये जो मोशन ब्लर ना उसमें थोड़ा अलग ब्लर होगा। ये देखिए कितना अलग हो रहा है, फोटो पूरा घूम रहा है। देखो ये फ्रेम हो गई, तैयार हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इसको ये प्रोफाइल पे दिखाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा इसको पास पास ले लेता हूँ। टैन टैन टिकली टिकली टिकली, टैन टैन टिकली टिकली टिकली। अरे 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 तू तो बड़ा हो जा, चलो बड़ा तू इधर रह, नहीं नहीं तू नहीं तू इधर रह, तू इसके पास रह। अब इसको मैं थोड़ा आँख खोल देता हूँ। दोस्तों कितना फ़र्क है, ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया आपके सामने। ये फोटो ऐसा था, मैंने इसको ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। अब गूगल पे कर दो आप, थोड़ा भी कर दो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर ले। दोस्तों अलविदा लेता हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय, गुड नाइट।